जो रात स्नोफॉल के लिए कह रहे हैं ना लोग बात, पूरा हुआ ये बारह लाचला वाला पूरा जो रूट है ना, ये वही रूट है। बारह लाचला रह गया 21 किलोमीटर, सरचू 53, पांग 129 और लेह 302। ऐसे उतार रहा हूँ, मेरी आंखें बंद हो रही है, मतलब ये शीशा बना हुआ है इसका, सुनिए ज्यादा ऊपर नहीं। अबे गीला हो जाए, ये सुंदर नजारे भाई साहब, बहुत ही बढ़िया सुंदर फर्स्ट क्लास जिसको बोलते हैं। और ऐसे में हमारी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर कार कैंप पे, मस्त रही रात को, बहुत बढ़िया नींद आई और साथ में बारिश भी बहुत हुई यार। लेकिन ये है कि बस अब चलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो हम लोगों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है, सारा कंबल वगैरह सब तय कर दिया, सीटों को जो है पीछे कर देंगे और फिर निकल जाएंगे अपना बारह लाचाला की तरफ, क्योंकि कह रहे हैं कि वहाँ पर भी रात बहुत स्नोफॉल हुई है, पता नहीं अब जाने देंगे नहीं जाने देंगे, लेट भी करवाते हैं तो थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। फिलहाल चलते हैं अपनी अगली तरफ, पूरा रास्ता दिखाइए हमें तो आप देखते ही रहते हैं, अभी फिलहाल जो मंजिल है उसका मजा मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाऊं, इस तरफ जो हालात हैं ये देखिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस तरफ बोलूं तो यहाँ आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो रात स्नोफॉल के लिए कह रहे हैं ना लोग बाग, पूरा हुआ है ये बारह लाचला वाला पूरा जो रूट है ना, ये वही रूट है। अब खुद ही देखिए भैया क्या माहौल बना हुआ है यहाँ का, और बारिश तो अभी भी गाड़ी के ऊपर आपको पानी की बूंदें जो है वो नजर आ जाएंगी, पूरा पानी की बूंदें सब जगह, तो अच्छी खासी बारिश जो है वो रात हुई है आप ये कह सकते हो। सीजन रुके कहाँ थे वो मैं बता देता हूँ, हमारी ऑल टाइम फेवरेट जगह हिमालयन गेस्ट हाउस, यहीं पर रुकते हैं हम हमेशा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलता है, साथ के साथ में भैया इनकी हॉस्पिटैलिटी भी जो है वो बहुत अच्छी है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, गाड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है। Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV instead, bout fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing. If this world is a place worth saving, I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free, I gotta find a way to believe. All I know is that if I give up then it's over, but if I keep going every day's a bit closer. Highs and the lows feels like a roller coaster, it's never over. I gotta find a way to get inspired in this life. Stop looking out and start looking inside. Find what I love and take a little pride. Anything is better than complaining about life. I don't need help, I can do it by myself. No pain, no gain, I will go through hell. Do what it takes, I will break out of my shell. I'm never coming back, once I'm gone I'm out. Yeah, got me like, ooh. Watch me on the screen, you gon' see me making moves. You gon' see me scheme like I got something to prove. Working like a fiend, yeah, I do just what I do. Got a purpose, got a view, turn my vision into truth. My dreams are becoming lucid. The more I work improving, the more I fight, keep moving. I am not losing, pride keeps me refueling. I will be better real soon, yeah. Real soon, yeah. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free, I gotta find a way to believe. You gotta believe, I will make it happen one day. ताज़ा अपडेट ये है कि अगर बात करूं ट्रकों की तो ढाई ढाई तीन तीन किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं, और गाड़ियों की बात करूं तो देखो 4x2 हो या 4x4 हो सबको अलाउड है, पर आप देख लो बाहर का माहौल इस वक्त बहुत जबरदस्त है और ऊपर की तरफ तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये देखो ये ऊपर की तरफ दिखाई देगी आपको। हम लोग हैं फिलहाल दीपक ताल पे, और भाई पानी दिखाऊं बहुत ज्यादा साफ, बहुत ज़्यादा साफ, मतलब ये देखो आप दिख रहा होगा सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, मतलब इतना ज़्यादा साफ पानी आपको वैसे नहीं मिलेगा कभी भी। सोनी पानी देखा कितना साफ था, एक एक पत्थर साफ साफ दिखाई दे रहा था।
अरे देखो, हाँ हाँ दीपक ताले ही, सूरज ताले से बाद में आएगा, फिलहाल गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, नो डाउट, मजेदार। 12 ला चला रह गया 21 किलोमीटर, सरचू 53, पांग 129 और लेह 302। अरे ऊपर ही चल रहा था अभी तक भी। तो भाई ये डिस्टेंस है टोटल जो अभी लग रहा है, 12 ला चला ही हाईएस्ट पॉइंट है, उसको अभी कवर करना है। वहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी अच्छी हुई थी, तो वो एरिया जो है अभी हमें थोड़ा सा मिलेगा, जो प्रभु की मंदिर आया था, आशीर्वाद लेते चलना चाहिए। एक चीज जरूर है यार, बोलते वक्त भी थोड़ा सांस यहाँ फूलना शुरू हो गया है, मुझे तो फीलिंग आ रही है भाई, आई डोंट नो मैडम को आ रही है नहीं आ रही है, सुनी आ रही है? वो ज़्यादा बोल ही नहीं रही है, हम बोल बोल के अपनी सांसें फुला रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कुछ भी कहो, जर्नी अभी तक सही चल रही है, उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन अपनी गाड़ी फिलहाल 12 ला चला में करेगी, मुझे पता है, क्योंकि ये गाड़ी ले पहली बार करेगी, शिंकुला दो बार कर चुकी है, काजा दो बार कर चुकी है, और भी दो तीन जगह जाए ट्रेवल अच्छी खासी कर चुकी है, लेकिन ले रूट पे पहली बार जा रही है, तो मुझे पक्का पता है कि यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया। एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये देख सकते हो कि मैं इसको अभी फिलहाल थर्ड गियर में चला रहा हूँ और ये आराम से 50-60 की स्पीड में थर्ड गियर में मैं लेके चल रहा हूँ। अभी फुल कराया था कैलोंग से, पेट्रोल में गाड़ी चल रही है, 402 रेंज अभी भी दिखा रही है, सीएनजी में फिर भी 3 बत्तियां हैं, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, कहीं जोत पड़ जाए गाड़ी खड़ी करके, थोड़ा हीटर वीटर ऑन करना पड़ेगा, ज्यादा ठंड हो तो वहां पे ये काम आएगी, बर्फ वगैरह तो मिल जाएगी भाई अभी यहाँ पे थोड़ी सी। अब यही नीचे है काफी, ये भी बहुत स्लो दिख रही है। Let's go. Time to grind. Get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line. Cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got. देख लो पानी की आवाज बहुत प्यारी लगती है यार। अभी माइक यूज कर रहे हो तो हो सकता है आवाज कम हो, लेकिन बहुत सुंदर है सोनी, मस्त जगह है, लोकेशन भी ठीक है, पर बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी यार ये देखो सामने, देखो कितना मस्त है भाई। वाकई हमने कहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है वो रही वहाँ पे उस जगह पे, और वहाँ से हम लोग पैदल आए हैं इस तरह इस जगह को कवर करने के लिए। लेकिन ये बहुत सुंदर है अल्टीमेट, और 12 ला चला रह जाएगा यहाँ से थोड़ा सा दूर, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम कितने एलिवेशन पे हैं। तो हमारी हाइट जो है वो फिलहाल है 14,280, 14,280 मीटर की ऊंचाई पे फिलहाल हम लोग खड़े हुए हैं। तो भाई फिलहाल हम लोग 12 ला चला के पास में पहुंच चुके हैं, और अब मैंने ना 15,000 फीट का सेट किया था अपनी वॉच के अंदर। अभी फिलहाल क्या है, उसने दे दिया है मुझे सिग्नल कि भैया नोटिफिकेशन कि आप 15,000 फीट क्रॉस कर रहे हो, अब रेड सिग्नल उसने दे दिया ऑलरेडी। फिलहाल मौसम जबरदस्त है भाई साहब, देखो आप यहाँ पे क्या वेदर चल रहा है, और ऊपर से छांव हो चुकी है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ डाउटफुल रहता ही है कि कभी भी स्नोफॉल हो जाती है 12 ला चला पे। 15,000 फीट हम क्रॉस कर चुके हैं जैसा आपको बताया ही है, अभी देख ही चाहिए भैया, अभी तो और भी बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। हम आ चुके हैं सूरज ताल पे, ये देखो सूरज ताल अच्छा है ना, बोर्ड भी बढ़िया बना हुआ है, और यह बहुत ही बढ़िया लोकेशन है भाई, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, पूरा सब कुछ जमा रहता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार उतर कर। सोनी आ जाओ जल्दी आओ, सूरज ताल दिखाता हूँ तुम्हें। भैया देखो किसको कहते हैं नजारे, और नीचे देखो पूरा जमा पड़ा है, सब कुछ सब जमा पड़ा है, और माउंटेन्स तो भाई बहुत सुंदर, वो लिखा हुआ ना सूरज ताल, सुपर। तो भाई बहुत ही बढ़िया है, लोकेशन भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और देखो एक बात बोलूं, चाहे आप वैगन आर ले आओ चाहे कोई सी गाड़ी ले आओ भाई, सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ पे। आप वो जमाने चले गए कि आपको स्पेसिफिकली 4x4 ही गाड़ी चाहिए, मेरे साथ में आप आओ, मैं आपको 4x2 पे भी ले तक का ट्रिप कराऊंगा। अब देख लो आपके सामने है पूरी वैगन आर, कितनी कूदती हुई आई है, वैसे मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं हुई, हल्की सी भी अगर परेशानी हुई तो ना मैं आपको बता देता,
जरा से भी नहीं है दिक्कत कोई भी, आप आराम से आ सकते हो। व्हाट्सएप एक्सपीडिशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कभी भी ट्रैवल करना हो मेरे साथ में, मैं अपने एक्सपीडिशन के जो ट्रिप्स हैं वो वहाँ प्लान करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ में वहाँ से ट्रिप कर सकते हो। फिलहाल माहौल बड़ा अच्छा है यार। अब पहुंच चुके हैं बारालाचला, सामने आप देख सकते हैं लोग बाग इंजॉय कर रहे हैं, माउंटेन पर बर्फ की माउंटेन है यार, पूरी पता है पूरी सफेद चादर से ढकी हुई है ये जगह। मैं आपको पास में ले जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ क्या हालत है, लेकिन भाई स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कभी भी आप ऐसी जगह पे आए ना तो अपने टायर्स को नया रखें। कोई भी गाड़ी लेके आओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चढ़ जाती हैं, लेकिन साथ के साथ में आपके पास में एक डार्क ब्लैक कलर का चश्मा जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना सूरज की रोशनी बर्फ पे पड़ के आपकी आंखें चुंधिया सकती हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, अगर आप वैसे भी ट्रैवल करते हो तो बहुत ही शानदार जगह है बारालाचला, तो आप वैसे भी आ ही सकते हो यार, ये तो नॉर्मल सी जगह है, उसे आप बाद में भले ले ना जाओ, लेकिन अगर अपनी छुट्टियां मनानी तो इस जगह तो बहुत लोग आते भी हैं। बारालाचला पूरा पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, अभी इस वक्त पूरी भीड़ है, लोग बाग इंजॉय कर रहे हैं, सोने गई है वहाँ दूर, कहते थोड़ा सा 360 शॉट्स लेके आ रही हूँ। मैंने अभी क्या किया, चश्मा डार्क वाला पहना हुआ है, मैं धूप पड़ी हुई, मैं ऐसे उतार रहा हूँ, मेरी आंखें एटली बंद हो रही है, मतलब ये शीशा बना हुआ है इस वक्त, पूरा आँख आप खोल ही नहीं सकते, बहुत बुरी वो है। आप तो फिलहाल कैमरे में देख रहे हो सकता है आपको दिखाई दे, पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा भाई, बिल्कुल आंखें बंद, पहले तो इसी की रोशनी बहुत है। सीरियसली भाई अगर आप यहाँ होगे तो मैं क्या जो कह रहा हूँ आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अभी भी हम खड़े होते ना, थोड़ी थोड़ी सी स्नो चल रही थी, ऐसी बात नहीं कि स्नो नहीं हो रही थी ये। और ऐसे में मैं आपको भी एल्टीट्यूड दिखाता हूँ, कितना दिखा रहा है, हो सकता है ये कवर कर लिया हो इसने, तो आपको दिख जाएगा कि 15,815 फीट पे है फिलहाल, 15,800 फीट। ये बीच में स्पॉट पड़ते हैं तो रुक के देख लिया, तो भाई मेन मंजिल कहाँ है, मेन मंजिल तो वही है भाई, अपनी सियाचिन वॉर मेमोरियल, शहीदों को नमन करके आना है, ज़्यादा दूर मत जाना। अरे ये सारा फ्रेश है स्नो, ये देख पैर जा रहे अंदर, सुनिए ज्यादा ऊपर नहीं, अबे गीला हो जाएगा, क्या हो गया तुझे, चल भाई ये तो हो गए बावले, इसके तो पास तक जाना ही पड़ेगा। सोनी हम 16,000 फीट पे हैं यार, यहाँ ज्यादा भाग दौड़ नहीं, उछल कूद कर लेनी चाहिए जितनी भी। एक बार ऐसे धक के देख लूंगा, गिल्ली हो गई सारी, सॉरी सारी गिल्ली होगी बट्टू,